बहुत खूबसूरत है। दुनिया का अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट कलरफुल एंड ब्यूटीफुल बर्ड अगर कोई है तो स्कारलेट मैकाओ। थोड़ा सा दिखाओ कुछ। सुशांत नाम हुआ हमारा, हम बिहार पटना से आए हैं। मकाओ का केज और यहाँ का दीपांकर भैया का हम लोग वीडियोस लगातार देख देख के फुल हो गया दिमाग में। मैं एक्चुअली ब्रिज इंजीनियर हूँ, मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, एज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर वहाँ मैं काम कर रहा हूँ। ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे इंसान भी है वो। एक्चुअली रुद्रा के साथ इन लोगों का क्या, ये देखो रुद्रा क्या दुश्मनी है इन लोगों के साथ, तुम्हारा क्या दुश्मनी है, देखो ये देखो 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 ये देखो ये देखो, तीनों एकदम अटैकिंग मूड में है, देखो इतना गुस्सा हो रहा है, देखो 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 देखो, सबसे ज्यादा तो ये वाला। अच्छा ये देखो मैंने हाथ लगाया बुरी, अरे ये तो हमको भी, ये फुल्ली टेम्ड है सारे के सारे, क्या कर रहे हो ये देखो। गणेश हर रोज खाना डालते हैं इसी के लिए, गणेश के साथ दोस्ती है मुझे और तुम्हें दोनों को, किसी को अलाउ नहीं कर रहा है, किसी को अलाउ नहीं कर रहा है। देखो मेजरमेंट वो पूरा कम्प्लीट हो चुका है और दादा के साथ थोड़ा सा बैठ, मतलब एक इंच के लिए हाइट, एक इंच के लिए। हम लोग का कहना था 9 इंच 1 इंच के लिए, ठीक है। ये सारे करेला का खेती और वहाँ दूर में देखो, ऐसे देखो पूरा के पूरा एरिया करेला का ऐसे खेती होता है और सारे करेला आके यहाँ से पैकिंग होके, ये देखो यहाँ से ऐसे पैकिंग होके बाहर चले जाते हैं कलकत्ता, अलग अलग स्टेट में भी जाता है, क्योंकि यहाँ गांव में हजारों हजारों बीघा का खेती होता है इस सीजन में। इन बहन को बुला के वहाँ, मतलब सारे स्टोन को हम लोग का फार्म तक लेके जाना है। वाओ देखो कितना खूबसूरत है स्कारलेट मकाओ डबल बैंड, बहुत खूबसूरत है, सही है, परफेक्ट एज में जैसे हेल्थ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हाँ तो परिचय करना चाहेंगे मैडम जी के साथ और भैया के साथ। मैडम जी साउथ पॉइंट स्कूल से, मैडम जी बताइए थोड़ा सा ऐसे प्लान कैसे आया कि घर में एक बर्ड रखे वगैरह वगैरह। मैं साउथ पॉइंट में पढ़ाती हूँ जी, जी मैडम हाई स्कूल में, और सुबह जब निकल जाती हूँ 6 बजे घर से तो बेटा ये मेडिसिन पढ़ रहा है, ये घर में अकेला रह जाता है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए इसके कंपेनियन भी बोल सकते हैं आप। ज्यादा नॉइजी बर्ड भी नहीं चाहिए था क्योंकि पढ़ाई में तो दिक्कत आती, इसलिए हमने स्कारलेट को ही चुना। एकदम परफेक्ट चूजिंग है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है स्कारलेट, इसी के लिए सब लोग रख नहीं पाते हैं, लेकिन एज ए पेट घर में अगर कोई रखना चाहते हैं और थोड़ा सा ऐसे बजट है उनका तो स्कारलेट ही बेस्ट रहता है। और दादा बताइए इसको जब लेके आया और इसके बारे में कैसे टाइम बीत रहा है। मेरा तो मतलब पूरा दिन ही बदल गया है इसके पीछे दौड़ते दौड़ते, मेरा तो वजन भी थोड़ा सा कम हो गया है। मतलब तो बहुत अच्छा फ्रेंडली है, उसको आप हाथ लगाओ किस करो वो कुछ नहीं करता है, तो बहुत अच्छा पेट है। सेकंड लार्जेस्ट मकाओ जो होता है ग्रीन विंग मकाओ, वो भी रेड कलर का आता है, लेकिन ये रेड उसके बाद ग्रीन उसके बाद ब्लू रहता है, वो ग्रीन विंग, और स्कारलेट का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन तीनों का अंदर ब्लू गोल्ड ग्रीन विंग एंड स्कारलेट यही तीन ज्यादा चलता है, और भी बहुत सारा है लेकिन कॉमन का अंदर ये तीन ज्यादा दिखने के लिए मिलता है। एक है स्कारलेट, ये रहा स्कारलेट जिसका रेड और उसके बाद येलो उसके बाद ब्लू, ग्रीन विंग रेड रहता है उसके बाद ग्रीन उसके बाद ब्लू, और ब्लू
बिल्कुल तो पूरा बॉडी ब्लू रहता है और राइट, मतलब तीनों ही मैकाओ है, तीनों ही हम लोग रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली होता है स्कारलेट मैकाओ और सबसे ज्यादा एग्रेशन रहता है ग्रीन विंग मैकाओ में। सेकंड लार्जेस्ट मैकाओ कहा जाता है मैडम जी, साइज में बहुत बड़ा होता है स्कारलेट से, मतलब ये जितना साइज है इसका आधा जोड़ के एक होगा, थोड़ा बड़े साइज का लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव। घर में रखने के लिए एज ए फ्रेंड और दुनिया का अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट कलरफुल एंड ब्यूटीफुल बर्ड अगर कोई है तो स्कारलेट मैकाओ। थैंक यू सो मच मैडम जी। और इतना दूर से मकाओस को लेके मैडम जी और भैया जस्ट दीपंकर दा एक बार देख लो कि कैसे है। जो देखा, डाइट भी प्रॉपर चल रहा है, हेल्थ भी अच्छा है, एकदम परफेक्ट है। और हाथों का ऊपर ऐसे अभी अभी खाना खिलाया 60-70 ml ऐसे कुछ लेते हैं ना। हाँ अभी तो बहुत मस्ती कर रहा था और बहुत प्लेफुल है ये। चलो तो थोड़ा सा दिखाओ कुछ। अभी पंख स्ट्रेच करना, ऐसे सोना, वाह अच्छा टेक्निक। बहुत खूबसूरत है, हमको तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है स्कारलेट मकाओ। बहुत दिन से प्लानिंग है मैडम जी इसको ब्रीडिंग कराऊं, लेकिन अभी तो ब्लू गोल्ड ग्रीन विंग का होता है, लेकिन स्कारलेट का कोई अच्छा पेयर नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग का, वहाँ इन लोगों को रखने के लिए सही प्लेस नहीं था। फाइनली यहाँ अभी हम लोग कहाँ है, हम लोगों का नया फार्म पे, ये तो नहीं बताया कि हम लोगों का जहाँ नया फार्म बनने का काम चल रहा है, अभी तो पूरा रेडी नहीं हुआ। और मैडम जी फिर भी यहाँ ही मतलब आया क्योंकि मैं यहाँ था और बहुत एडजस्ट किया। थैंक यू सो मच मैडम जी, अगर कुछ गलती हो गया तो माफ़ कीजिएगा। मेरे बॉस को बचा लिया, उसका डाइट ठीक था, नहीं चल रहा थोड़ा सा प्रॉब्लम था ना, तो अभी आपके एडवाइस में वो अभी खेल रहा है, मस्ती कर रहा है, बहुत अच्छा है। इस बात पे हम भी बहुत खुश है और आपकी जो सलाह थी उसके मुताबिक इसको रख के बहुत ज्यादा। एक्चुअली मैडम जी ना बर्ड्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये इसका हर एक, जब कोई ऐसे दोनों पंख झपकाता है या काए काए करता रहता है तो तभी ये पेट भर के खाना खा नहीं पा रहे, तो ये कुछ सिम्टम्स रहता है। जो लोग ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के सिवा ना जानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कोई किताब पढ़ के या कोई ऐसे इंफॉर्मेशन मतलब कलेक्ट करना मुश्किल है, इसी के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से इन लोगों को केयर करेंगे। देखिए बाहर अलग अलग कंट्री में तो है बहुत कुछ एवियन का ऊपर, लेकिन हम लोगों का यहाँ उतना कुछ है नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ा सा चाहिए होता है। इसका क्या प्रॉब्लम जो होता था, दोनों पंख को ऐसे फ्लैप करता था और चिल्लाता था बहुत चिल्लाता था, तो अभी वो मुझे बाइट कभी नहीं किया, लेकिन मतलब बहुत एंग्री हो जाता था और मुझे विंग से तो ऐसे ऐसे करता था कि मुझे खिलाओ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि वो क्या कहना चाहता है। जब कोई बर्ड सेलिब्रेटिंग होता है तो तभी ना वो, हम लोग तो खाना देते हैं, वो काट के क्या करते हैं ऐसे टुकड़े टुकड़े करके ही छोड़ देते हैं, उसका अंदर वो इंटेक नहीं कर पाते। हम लोग क्या सोचते हैं कि खाना दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिया, मतलब खाना खा रहा है, लेकिन वही दिक्कत हो जाता है। ऐसे अगर 15-20 दिन कंटिन्यू हो जाएगा उसके बाद जो सिचुएशन आएगा और आगे ये फिर से खाना खा के पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसका खराब हो जाता है और बचा पाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। सही टाइम पे हम लोग का कांटेक्ट हो गया था और अभी तो एकदम ये सही है। बहुत प्यारा है। और मैडम जी आपने जो चूज किया स्कारलेट मकाओ घर के लिए एकदम परफेक्ट किया। बहुत सुंदर है, थैंक यू सो मच मैडम जी। ओके एक्चुअली पहले से तो मौका नहीं मिला तो वीडियो बनाने का, और एक ऐसे मतलब याद में आया कि दादा लोगों के साथ एक मतलब ये जो खूबसूरत सफल था कुछ घंटों का, तो एक वीडियो में कैप्चर होना चाहिए। शशांक नाम हुआ हमारा, हम बिहार पटना से आए हैं, दीपांकर भैया का हम लोग वीडियो लगातार देख के एकदम फुल हो गया दिमाग में, इनका पहुँचना है फार्म हाउस पे और बहुत सुंदर, मतलब ही इज अ गुड गाय। आज एक मकाओ मतलब ब्लू एंड गोल्ड मकाओ हाई फ्लाइंग फेदर से ट्रिम किया हुआ है, उसके साथ सनपनीर का प्यार लेके जा रहे हैं। दादा एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे जा रहे हैं? पटना जाएगा, पटना में पाटलिपुत्र है, हम लोगों के पास काफी सारा डॉग है, बर्ड्स भी है, मगर अफ्रीकन बर्ड हम लोग नहीं रखते थे। वैसे दादा है हम लोग को गाइड करने के लिए फोन पे 100% मेरी तरफ से जो हो पाएगा एकदम फुल्ली गाइड। थैंक यू दादा, थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम नहीं बताया? अर्जुन कुमार। अर्जुन जी बार्स को एक बार दिखा देते हैं। और यहाँ मकाओ का केज और यहाँ सन कॉर्नर का, हाँ आवाज तो आ रहा है लेकिन अभी पूरा एकदम सही तरीके से हम लोगों ने रख दिया है। एक्चुअली सर जी मतलब हम लोगों का नया फार्म का, पैराडीप पंकर का नया फार्म का सबसे पहला कोई गेस्ट जो बिहार से आए हुए है, मतलब आउट ऑफ आवर स्टेट, बाहर स्टेट से आके हम लोगों का नया फार्म पे रहने वाला पहला इंसान है, मिलाएंगे सर जी के साथ।
एक्चुअली यहाँ सर जी मतलब जो लोग बाहर से आते हैं और मतलब पहले जहाँ फार्म था वहाँ से ऐसे कोई भी जगह नहीं था, सबको होटल में ठहरना पड़ता था। फिलहाल उसी को सोच में दिमाग में रखते हुए ऐसे करके छोटा छोटा मोटा बनाया। और सर जी सौभाग्य है हम लोगों का कि मतलब इंजीनियर साहब बहुत सारा प्लानिंग भी मिला है इनसे कि कैसे करने से क्या होगा और ये टाइल वाइल बाहर लगाना, मतलब बहुत सारा बातचीत हुआ सही तरीके से कैसे हम लोग इसको सजा सकते हैं उसके लिए बहुत सारा गाइडेंस भी मिला है। और हम लोगों का सौभाग्य हुआ कि सर जी खुद बोला कि थोड़ा मोटा एडजस्ट कर लेंगे लेकिन दीपंकर तुम्हारा वहाँ रहेंगे। थैंक यू सो मच। हम लोगों का जो ड्रीम था कोई मतलब प्रेम कभी खरीदा नहीं जा सकता और दीपंकर हमारा भाई का जैसे छोटे भाई का जैसा है, इन्होंने इतना प्यार दिया एज ए फैमिली मेंबर अपने नए जो उनका फार्म हाउस है उसके पास जो एक रेजिडेंस बनाया उसमें पहली बार मुझे रुकने का मौका मिला है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। इट इज अ वेरी गुड अरेंजमेंट एंड चाय और बिस्किट भी मिला यहाँ अच्छे से और वहाँ डिनर का भी बंदोबस्त हो रहा है, तो हो ही रहा है। और सर जी कल सुबह घर जाएंगे, आज तो सर जी का भेज था तो तपनदा टीचर जी है, सर जी है हम लोगों के साथ हमेशा चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी और पैरट दिवस। लेकिन आज ट्यूसडे को मैं नहीं नॉनवेज खाता हूँ तो कल सुबह कल पैक करके ये सुबह 8 बजे पैक कर देंगे। दोपहर को लंच करने के लिए प्लानिंग था, तालाब में से मछली पकड़ के ऐसे सब बना के खाते, लेकिन सर जी का यहाँ से 8 बजे निकलना होगा नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगा। नहीं नहीं आपका फंक्शन में मैं जरूर आऊंगा और अच्छा गाना भी गाऊंगा। थैंक यू सो मच। सर का गला भी बहुत बेहतरीन है, मतलब अभी अभी सुना बहुत सारा। LUXEKK19 इसमें L कैपिटल है बाकी सब स्मॉल में है। ULUXEKK19 बहुत अच्छा ये स्टार मेकर पर आप। मैं एक्चुअली ब्रिज इंजीनियर हूँ, मध्य प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, एज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर वहाँ मैं काम कर रहा हूँ। पिछली बात यह है कि दीपंकर भाई का जो डिवोशन है टुवर्ड्स द बर्ड्स जो है इनके, और इवन एज ए ह्यूमन बींग ही इज अ गुड ह्यूमन बींग, बहुत अच्छे इंसान भी है वो। इतने सरल हृदय हैं कि मैं उनके घर में गया तो विदाउट फॉर्मेलिटी सर जी की तरफ से एक घड़ी ये गिफ्ट में मिल गया है। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सारे व्यूअर्स को कहना चाहूंगा इतना दिन तो आप लोगों का वहाँ मतलब पहले जो आते थे होटल्स वगैरह में रुकना पड़ता था, तो अभी छोटा मोटा अरेंजमेंट हो गया है, आप लोग भी चाहे तो यहाँ के रुक सकते हैं। थैंक यू सो मच।